हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम जिस कैरेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं लाइफ की, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उससे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर ठीक है। यूनिसेलुलर कौन होता है, जो जिसमें केवल सिंगल सेल होती है, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो कई सारी सेलों से मिलकर बने होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजम क्यों, ठीक है। तो जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस प्रकार की है कि सेल है, सिंगल सेल है, ठीक है। तो जब यहां पर ग्रुप ऑफ सेल आ गई, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उन्होंने उनको मिलके बना दिया टिश्यू, उसको हमने कहा टिश्यू, ठीक है। ये सेल्स आपस में क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, ये सेल्स आपस में इंटरेक्ट कर रही है, और इसको हमने क्या कहा, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने कहा टिश्यू, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हमने ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाया, ठीक है। ये जो टिश्यूज थे ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, इनने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज था हमने इसको नाम दिया ऑर्गन, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि कुछ ऑर्गन्स जो थे वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ठीक है, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। इस एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ जो ऑर्गन्स थे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बना ली थी, ठीक है। तो यहां पर हमने उसको कहा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स से मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है, देखो हमारी बॉडी में कितने ही सारे ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, विभिन्न ऑर्गन से मिलकर बना है, ठीक है। कार्डियक सिस्टम है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। रिप्रोडक्टरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कई सारे ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये मिलके बनाता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये मिलके बनाता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सेल थी, सेल में क्या हुआ कि कुछ सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट हुई, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको हमने नाम दिया टिश्यू, जिसको हमने नाम दिया टिश्यू। फिर टिश्यूज ने आपस में कोऑर्डिनेशन किया, टिश्यूज ने आपस में कोऑर्डिनेशन किया, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको हमने नाम दिया ऑर्गन। कुछ ऑर्गन्स आए, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन किया, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नाम दिया ऑर्गन सिस्टम। वो ऑर्गन सिस्टम आपस में कनेक्ट हुए एक दूसरे के से, क्योंकि एक दूसरे के कनेक्शन तो होते ही है, क्योंकि हेल्प करते हैं ऑर्गन एक प्रकार के फंक्शन को दूसरे प्रकार के फंक्शन में। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम इस चीज को समझेंगे। तो उसने मिलके बनाया एक पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये तो था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। अब आप कहोगे क्या मैम ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है एप्लीकेबल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो हाँ एप्लीकेबल है। अब कैसे एप्लीकेबल है ये देखो,
यहां पे एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो जो एक सेल होती है उसमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। सेल किससे मिलकर बनी होती है, मुख्य रूप से, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होती है। ये तो एक सिंपल बात हो गई, लेकिन अगर ये तो एक यूकैरियोटिक सेल की बात हो गई, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, या एक सिर्फ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ना प्रोकैरियोटिक ना यूकैरियोटिक, तो वहां पे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। एक सेल सिर्फ सेल नहीं है, उसके अंदर भी कई सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पर ये है कि सेल किससे बनी है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखो एटम्स हो गए, ठीक है। सबसे पहले एटम हुआ, ठीक है। एटम के बाद ग्रुप ऑफ एटम आया, ग्रुप ऑफ एटम्स। हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हमने उसको नाम दे दिया मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर एटम थे, कुछ एटम्स जो थे वो आपस में इंटरेक्ट हुए, तो यहां पर बने मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स ने मिलकर बनाए हमारी सेल, ठीक है। तो यहां पर भी जो सेलुलर कैरेक्टर, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, या सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक सेल है वो एक अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है। सेल जो है अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म का या एक लाइफ का एक मुख्य कैरेक्टर जो होता है वो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक डिफाइनिंग फीचर है, ये हमें याद रखना होगा। क्योंकि चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेलुलर और ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें वहां पे देखने को मिलेगी। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो सेल के या ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन है वो कैसे कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक मुख्य कैरेक्टर है, किसमें, लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और एक डिफाइनिंग फीचर है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो और उससे भी ज्यादा अगर अच्छा लगा हो, प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।